दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो है सेल चालू हो चुकी है, तो जो है अगर आपके पास जो है कार्ड वगैरह है तो आप जो है यहाँ पर फटाफट से शॉपिंग कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है जितने जल्दी जल्दी जो है शॉपिंग करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट कम होते रहते हैं। और दोस्तों, आप जब भी जो है कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसको वीडियो ज़रूर बनाना, यानी कि अनबॉक्सिंग करना विदाउट कटिंग के, ठीक है। अगर जो है कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो है आप प्राइम मेंबर हैं तो आप जो है अभी 12 बजे से जो है शॉपिंग कर सकते हैं, और जो है अगर प्लस मेंबर है तो भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों हूँ तो मैं जो है दोनों ही शॉपिंग कर सकता हूँ कहीं से भी। वैसे फ़िलहाल तो मुझे कोई स्मार्टफोन नहीं लेना है, और हाँ अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जो है स्मार्टफोन मत लेना, खाली बेफालतू के फिजूल खर्ची जो है अच्छी बात नहीं है। और अगर जो है आपको अमेजोन से जो है शॉपिंग करनी है तो आपके पास जो एच का कार्ड होना चाहिए, तभी जो है आप डिस्काउंट ले पाएंगे। और फ्लिपकार्ट से अगर जो है आपको शॉपिंग करनी है तो आपके पास जो है SBI का जो है कार्ड होना चाहिए, या फिर जो एक्सिस बैंक का, दोनों ही कार्ड जो है अगर आपके पास है तो आप जो है यहाँ से अच्छे खासे डिस्काउंट में जो है आप स्मार्टफोन जो है बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है इस वीडियो में 10 स्मार्टफोन के बारे में बताया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से जो है टॉप मुझे लगे, उनमें जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट था और जो मुझे सही लगे, वैल्यू फॉर मनी लगे यहाँ पर जो है डिस्काउंट के हिसाब से। लोग जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन बताते हैं तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताए हैं। यहाँ से जो मैंने 6000 से जो है 20000 के बीच में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें से जो है मैंने 10 ही स्मार्टफोन जो है चुने हुए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, और हाँ आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर जो है मैंने डिटेल में जो है मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और जो है सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप बाइक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे जो पहला स्मार्टफोन आता है रेडमी का A1, जिस पर जो है आपको मीडियाटेक हीलियो A22 देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 6.52 इंच की जो है HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, Android 12 में बेस्ड है, और जो है 8 MP का रियर कैमरा, और जो है 5 MP का जो है फ्रंट कैमरा मिलता है, 232 का जो है बेस वेरियंट आपको देखने को मिलता है, और इसका प्राइस जो है आपको अमेजोन में जो है 5800 देखने को मिलता है। ये 6000 के अंडर में ये स्मार्टफोन आ जाता है। अगर आपका तो बेसिक यूज है केवल जो है व्हाट्सअप वगैरह वीडियो देखना, तो ये स्मार्टफोन जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरा स्मार्टफोन भी दोस्तों यहाँ पर सेम सेगमेंट में आता है अंडर 6000 के, जिसका नाम है Realme C30। यूनिसॉक जो है T612 जो है इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी देखने को मिलती है, 6.5 इंच की जो है HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, Android 11 जो है इसमें देखने को मिलता है, और जो है रियर कैमरा जो है 8 MP, फ्रंट कैमरा जो है 5 MP, 232 का जो है यहाँ पर भी जो है बेस वेरियंट में देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिलेगा 5800 की प्राइस में जो है एक किलर डील हो जाती है। अगला स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर आता है Redmi 10, जो कि दोस्तों आपको जो है 8000 के करीब देखने को मिलता है। Snapdragon 680 वाला जो है प्रोसेसर है, जो कि 6 nm पर बना हुआ चिपसेट है, बहुत पावरफुल चिपसेट है, और जो है इस प्राइस रेंज में जो है काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर हो जाता है। 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 W की जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, 6.7 इंच की जो है यहाँ पर HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, Android 11 में बेस्ड है, 50 MP की जो है रियर कैमरा, फ्रंट जो है 5 MP का देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है आपको जो है 4 का देखने को मिलता है, ये अच्छी बात है। ये जो है आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगा, और जो है 8000 के अंदर जो है ये देखने को मिलेगा। तो 8000 के अंडर जो है आपको 680 मिल रहा है स्नैपड्रैगन का, तो वो जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जो है यहाँ पर जो है अच्छी डील जो है आपके लिए हो जाएगी। यहाँ पर जो है गेमिंग वगैरह जो है सब कुछ आप जो है अच्छी खासी कर पाएंगे। बेस्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, जो कि दोस्तों Samsung Galaxy M13 है, और जो दोस्तों अगर आपको सैमसंग का एक स्मार्टफोन खरीदना है 8500 के करीब, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्जिनोस का जो है 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, रैम जो है 12 GB तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है इसमें, 6.6 इंच की जो फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है इस प्राइस में, एंड्रॉइड 12 जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, 50+5+2 MP का जो है रियर कैमरा सेटअप मिलता है, और जो है 8 MP का जो है फ्रंट कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है, 460 वाला जो है बेस वेरियंट आपको देखने को मिलता है। अमेजोन में दोस्तों आपको जो है 8500 का देखने को मिल जाएगा। अगर आप जो है सैमसंग लवर हैं तो आप जो इसको डेफिनेटली जो है बाय कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज में जो है एक बढ़िया डील जो है आपके लिए हो सकती है। अगला स्मार्टफोन आता है दोस्तों पोको की तरफ से, पोको M4 5G, साथ में दोस्तों मैं यहाँ पर 4G की भी बात करूँगा। तो अगर मैं 5G की बात करूँ तो इसमें जो है प्रोसेसर है आपको जो है Dimensity 700 देखने को मिलता है, 4G वाले में जो है आपको Helio G96 देखने को मिलता है, यहाँ पर मिसटाइप मैंने कर दिया है तो इसको जो है आप इग्नोर करना, और जो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 W का जो है यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, मगर यहाँ पर भी जो है मैंने जो है मिसटाइप किया है तो इसके लिए सॉरी। और 5G वाले में जो है आपको 7 जो है 5G बैंड देखने को मिलते हैं,
6.58 इंच की जो फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसमें जो है आपको रिफ्रेश रेट जो है 90 हर्ट्ज का जो है देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 12 में जो है बेस्ट है, और जो है 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और जो है फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल की जो है सेल्फी देखने को मिल जाती है। इस वेरियंट जो है आपको 400 में देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट में दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 9,749 रुपये में। इस प्राइस रेंज में दोस्तों ये जो है एक बढ़िया जो है स्मार्टफोन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आप जो है चाहे तो इसमें गेमिंग कर सकते हैं अच्छी खासी। 4G वाले में जो है और भी बढ़िया गेमिंग कर पाएंगे, 5G वाले में भी जो है एकदम डिसेंट गेमिंग आप कर पाएंगे। अगला स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, जो कि दोस्तों एक बढ़िया स्मार्टफोन है। ये जो है आपको अच्छी डील देखने मिलने वाली है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों प्रोसेसर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 750 मिलता है, जो कि दोस्तों एक टाइम पे जो है फ्लैगशिप चिपसेट था। 5000 mAh की जो बैटरी देखने को मिलती है, 12 5G बैंड देखने को मिलते हैं, 6.6 इंच की जो फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120Hz का जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 12 में ये बेस्ट है, 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 4 और 128 GB का यहाँ पर जो है बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। ये जो है एक यहाँ पर प्लस पॉइंट मुझे लगा। फ्लिपकार्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, और जो है ये 11,000 के करीब जो है आपको ऑफर में देखने को मिलेगा। अगला स्मार्टफोन दोस्तों रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी 9 स्पीड एडिशन 5G, जो कि दोस्तों मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत बढ़िया डील लगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना दोस्तों आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 778G, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 30W की फास्ट चार्जिंग, 6.6 इंच की जो फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसके जो रिफ्रेश रेट है आपको जो 144Hz का देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 में बेस्ट है, 48+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट जो है 8 मेगापिक्सल का, बेस वेरिएंट जो है आपको 6128 देखने को मिलता है। और दोस्तों ये इसके जो प्राइस है ना 15,000 में जो है आपको देखने को मिलेगा सेल में। तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ना यहाँ पर 778G मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया मिलेगी, तो यहाँ पर जो ओवरऑल कहूँगा मैं अच्छा पैकेज है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको बाय करता, क्योंकि यहाँ पर जो है एकदम वैल्यू फॉर मनी है स्मार्टफोन है। जितने भी स्मार्टफोन बताए हैं दोस्तों इनका जो है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है आप बाय कर सकते हैं। अगला स्मार्टफोन दोस्तों आता है रियलमी 9 Pro Plus 5G, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है बढ़िया स्मार्टफोन है, और जो है इसमें जो प्रोसेसर मिलता है आपको डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 60W की चार्जिंग देखने को मिलती है, 6.4 इंच फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट जो है आपको 90Hz का देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 12 में बेस्ट है, 50+8+2 मेगापिक्सल का जो है रियर कैमरा, फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, 6128 का जो है बेस वेरिएंट मिलता है, 18,000 में देखने को मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट में। अगला स्मार्टफोन आता है दोस्तों रेडमी K50i 5G, जो कि दोस्तों बढ़िया स्मार्टफोन है। इसमें जो है आपको फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है डायमेंसिटी 8100, 5080 mAh की बैटरी मिलती है, 67W का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 6.6 इंच की जो है फुल HD प्लस वाली जो है डिस्प्ले मिलती है, 144Hz का जो है रिफ्रेश रेट के साथ। एंड्रॉयड 12 में बेस है, 64MP प्लस 8+2 MP का जो है रियर कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट में जो है 16MP की जो है सेल्फी मिलती है, 6128 का जो है यहाँ पर बेस वेरियंट मिलता है। दोस्तों ये लगभग जो है 26 से 27 हज़ार में जो है लॉन्च हुआ था, मगर अभी जो ऑफर में जो है आपको 20,000 में देखने को मिलेगा अमेजोन पे। तो इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 20,000 में ये जो डील है ना एकदम किलर डील है। अगर आप जो है एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर दोस्तों आपका बजट ना 20,000 के करीब है, और जो है आप जो है जरा से अगर इसे बढ़ा लेते हैं यानी कि 2,000 रुपये और डालते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एकदम इतना बढ़िया सा चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, POCO F4 5G, एकदम सब कुछ चीज़ें इसमें जो है आपको टॉप नॉच देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है, इसमें जो है 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों 6.67 इंच की जो है फुल HD प्लस वाली जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120Hz के जो है रिफ्रेश रेट के साथ, ठीक है। और जो एंड्रॉयड 12 इसमें है 64MP का जो है यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है, प्लस 8+2 जो है रियर में आपको मिलता है, यहाँ पर OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और जो है फ्रंट में जो है 20MP की सेल्फी मिलती है, 6128 का जो है यहाँ पर बेस वेरियंट मिलता है। ये जो है आपको मिलेगा अमेजोन में। तो 22,000 में दोस्तों यहाँ पर जो ये डील ना बहुत किलर आती है। अगर आप दोस्तों 20,000 तक जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपका बजट है जरा आप बढ़ा सकते हैं तो आप जो है इसको बाय करना, यहाँ पर जो है ये ज़्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी है।
इसके अलावा दोस्तों सैमसंग की तरफ से भी जो कुछ स्मार्टफोन है, अगर जो है आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो मैं यहाँ पर जो है आगे आपको बता दूंगा, यानी नीचे कमेंट में मुझे बताना, मैं उसके लिए जो है डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है आप बाय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कमेंट में आपको क्यों नहीं पसंद आया। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे के राम ना ख्याल रखेगा।